आप सभी ने देखा होगा कि कैसे गुरुवार को नागरिकता संशोधन कानून को लेकर पूरे देश में जबरदस्त बवाल हुआ। कई जगहों से हिंसक झड़पों की खबर भी आई और कहीं बस में आग लगा दी गई तो कहीं तोड़फोड़ हुई। और इस बीच बेंगलुरु से जो तस्वीरें सामने आई उसने सबका दिल जीत लिया। बेंगलुरु सेंट्रल इलाके में लोगों ने नागरिकता कानून का विरोध किया। प्रदर्शन हिंसक ना हो इसके लिए डीसीपी चेतन सिंह राठौर ने बेहद अनोखा तरीका अपनाया। वो प्रदर्शनकारियों के पास पहुंचे, उन्हें प्रदर्शनकारियों को सावधान किया। इस दौरान उन्होंने लोगों को शांत कराने के लिए राष्ट्रगान गाया और प्रदर्शनकारियों से भी साथ गाने की अपील की। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इसकी जमकर तारीफ भी की जा रही है। उसके साथ बात होता है तो मॉब मेंटेलिटी आ जाती है। वो मॉब मेंटेलिटी में छुपा हुआ कोई भी बदमाश हम आंखों से टेस्ट नहीं कर सकते, वो हम में से ही कोई छुपा होगा और उसने इसका फायदा उठा लिया तो पीटेंगे हम सब। अब अगर मुझ पे भरोसा है, अगर मुझ पे भरोसा है तो मैं एक गाना गाऊंगा और उस गाने में मेरे सारे देशवासी मेरे साथ खड़े होंगे।